राष्ट्रीय महामंत्री के नाते चुने गए। मैं उनको फिर से अभिनंदन करता हूँ और हमारा कार्यकर्ता रेवेन्शा यूनिवर्सिटी के निर्वाचित जनरल सेक्रेटरी श्री संकल्प पटनायक को अनुरोध करता हूँ कि वो उनको स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के वक्ता हैं सुश्री ममता यादव जी। सुश्री मम आप विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय छात्र प्रमुख रहे, छात्र प्रमुख दायित्व आपके ऊपर है। आपका केंद्र है हरियाणा का रेवाड़ी। हरियाणा का रेवाड़ी में आप कॉलेज में पढ़ा सोशियोलॉजी का प्राध्यापिका हैं। आपका अध्ययन सोशियोलॉजी में एमए और बीएड तक हुई है। इससे पहले आप विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आपका संपर्क 1987 से तभी से आप विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। सुश्री ममता यादव जी आज इस कार्यक्रम के वक्ता रहेंगे और उनको स्वागत करने के लिए मैं हमारा कार्यकर्ता श्री हेमरंजन जी से अनुरोध करता हूं कि वे उनको स्वागत करें। कार्यक्रम के अगले पड़ाव को जानने से पहले मैं आप सभी को सभी से माफ़ी चाहता हूं कि आज हमारे जो अन्यतम विशेष अतिथि थे प्रोफेसर पूर्णचंद्र महापात्र जो प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट है उनका विशेष काम के लिए वो विदेश गए हुए आज आने वाले थे विशेष कारण से नहीं आ पाए इसलिए वो कार्यक्रम में आज अनुपस्थित है इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अभी कार्यक्रम के अगले चरण में आज हमारा कार्यक्रम का वक्ता सुश्री ममता यादव जी से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रोफेसर प्राध्यापक जसवंत राव जी के बारे में कुछ आपके सामने रखें। भगवान जगन्नाथ की पावन धरती पर आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें राष्ट्रीय अधिवेशन में प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले श्रीमान इम्तियाज अली जी, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेश ठाकुर जी, राष्ट्रीय महामंत्री भाई विनय बिद्रे जी, उड़ीसा प्रांत के संगठन मंत्री गोविंद भाई, वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु भगिनी और पूरे देश से कोने कोने से आए हुए विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिगण। प्राध्यापक यशवंत राव केलकर जी का जब भी नाम आता है ऐसा लगता है कि मन के अंदर एक असीम ऊर्जा का संचरण हो रहा है। एक विचारक, एक चिंतक, एक कार्यकर्ता, एक शिक्षक, इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण होना ही चाहिए इस विश्वास से अपने कार्य में लगा हुआ एक निष्काम योगी अपने इस एक जीवन का एकमात्र ध्येय रखकर कार्य करने वाले कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य दिन प्रतिदिन प्रतिपल पल बढ़ता ही जाना चाहिए इस काम में अनवरत रूप से लगे रहने वाले विशाल हृदय, सरल हृदय। और जब हम इस तस्वीर को देखते हैं तो ये मात्र एक तस्वीर नहीं, एक आत्मा है, एक सजीव चित्रण है एक ऐसे व्यक्तित्व का
जिस व्यक्तित्व ने आज इस सभागार को इतनी बड़ी संख्या में भर रखा है, ऐसे चरित्र को हमारा शिक्षक वंदन करता है। जब जब प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी की बात आती है, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। नई पीढ़ी आती जाती है लेकिन पुरानी कभी जाती नहीं है, इसका एक उदाहरण आज यहां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में। यशवंतराव जी कहते थे, नए कार्यकर्ता आने चाहिए लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं के योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए और उनके द्वारा दी हुई सलाह के साथ हम आगे बढ़े, ये उनका कहना होता था। लेकिन नई पीढ़ी आती है, हम पूर्णांक की ओर पुस्तक भी पढ़ते हैं, हम अपने अभ्यास वर्गों में कार्य पद्धति की बात करते हैं, हमारे सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन वो सिद्धांत क्या है, वो कार्य पद्धति क्या है, वो बनी कैसे, तो यदि उसका जीवंत रूप कहीं दिखाई देता था तो वो यशवंतराव जी के रूप में। 25 अप्रैल को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर में जन्मे यशवंतराव जी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। हम आज भी कई बार कहते हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हम सबको इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि जो कार्यकर्ता अपनी पढ़ाई में जितना निपुण है, जितना कुशल है, जितना ब्रिलियंट है, वही कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए इस राष्ट्र के निर्माण में, पुनर्निर्माण में अपना योगदान ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकता है, ये स्थापित किया तो ये यशवंतराव जी ने किया। हम सुनते ज्यादा है उनके बारे में और कई बार हम कहते हैं कि हमने भगवान को भी देखा नहीं है, लेकिन भगवान का जो चरित्र, भगवान के जो चमत्कार, भगवान के जो काम हम जब देखते सुनते आए हैं अपने पुराणों में, इतिहासों में, उससे हमारी श्रद्धा निर्मित होती है। हमें से कुछ लोगों ने यशवंतराव जी को देखा लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा। सौभाग्य मुझे भी उनको देखने का प्राप्त हुआ जब दिल्ली में अधिवेशन था 1985 में। बहुत छोटी थी मैं, 10वीं कक्षा की विद्यार्थी थी, पहली बार विद्यार्थी परिषद में आई थी। मुझे नहीं पता था कि आज वो कौन यशवंतराव जी हैं, उस समय मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे विद्यार्थी परिषद में काम करते चले गए, जैसे जैसे कार्य पद्धति के बारे में सुनते और पढ़ते चले गए, और जब यशवंतराव जी की पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला, उन्होंने किससे क्या बातें की ये सब पढ़ने का जब अवसर मिला, तब लगा कि क्या ये वही यशवंतराव जी थे जिनसे कभी बात करने का हमें अवसर नहीं मिला। लेकिन आज ऐसा लगता नहीं है कि उनसे बात नहीं हुई, क्योंकि यहां पर मंच सज्जा से लेकर के सामने अनुशासित छात्र शक्ति बैठी है। आंदोलन में छात्र शक्ति आंदोलन तो करती है लेकिन कहीं विध्वंस नहीं करती है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब देश भर में काम करती है, तब ऐसा लगता है कि प्राध्यापक यशवंत राव जी हमारे साथ बात कर रहे हैं और उनके दिए हुए आदर्शों पर हम आगे चल रहे हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट, संघ के प्रचारक बने, बाद में विद्यार्थी परिषद में आए, महाराष्ट्र में एक कॉलेज के बहुत अच्छे प्रोफेसर, अपने काम के साथ कभी भी उन्होंने अपने काम को कभी छोटा नहीं समझा और कभी समझौता नहीं किया। हम कई बार एक बात सोचते हैं कि विद्यार्थी परिषद का काम कर रहे हैं, हमें छूट मिल गई, हम अपने कॉलेज में पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, हम अपनी क्लास को अटेंड करें या ना करें, लेकिन यशवंत राव जी का एक उदाहरण ध्यान में आता है कि वो एक कार्यक्रम के समाप्त करने के बाद ट्रेन में जा रहे हैं, सब लोग जब अपनी अपनी चादर तान के सो गए, उस समय यशवंत राव जी ने बैग से एक किताब निकाली, एक कॉपी निकाली, पेन लिया और नोट्स बनाने लग गए। किसी ने कहा, यशवंत राव जी आप बहुत थके हुए हैं, अभी आप वहां पर पूरे समय बैठे थे, आपको विश्राम करना चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं, विद्यार्थी परिषद में चरित्र निर्माण का जो कार्य हमने शुरू किया है वो कैंपस से स्टार्ट होता है और उस कैंपस में सुबह जाकर मुझे अपनी क्लास लेनी है, उसके लिए मुझे नोट्स तैयार करने हैं, इसलिए मुझे विश्राम नहीं। ऐसे प्राध्यापक यशवंतराव जी थे, मुक्त हृदय स्नेहिल और हृदय और द्वार, कहते हैं कि उनके घर कभी भी किसी कार्यकर्ता के लिए उनके घर के द्वार बंद नहीं हुए, और कार्यकर्ता ही नहीं, कभी घर के द्वार पर वो साकल नहीं लगाते थे, कभी ताला नहीं लगाते थे, तो सिर्फ घर का द्वार ही नहीं तो उनके हृदय के द्वार, उनके दिल के द्वार भी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए खुले रहे। और आज जब हम अपने अनेक प्राध्यापक कार्यकर्ताओं को देखते हैं, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यशवंत राव जी की छाप उन सब के अंदर हमें दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि यशवंत राव जी ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या किया
तो उसकी परिणति हमें सामने दिखाई देती है। हम कहते हैं कि एक हीरा है, एक हीरे को तराशने का जो कार्य होता है, और एक अगर किसी हाथी दांत पर नक्काशी करने का काम हो, ऐसा काम कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने करके दिखा दिया। और जब हीरे को कोई तराशता है कारीगर और हाथी दांत पर नक्काशी करता है, उसको संस्कारित करता है, तो मात्र उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है, उसके मूल्य को बढ़ाता है। लेकिन विद्यार्थी परिषद और संघ जैसे संगठनों में हम स्वयं को भी संस्कारित करते हैं। स्वयं को संस्कारित करते हुए हम दूसरे का विकास नहीं कर रहे, तो उसके विकास में सहयोगी होने का भाव अहम को तिरोहित करते हुए कैसे हो सकता है? ऐसा यशवंत राव जी का जीवन चरित्र हमको दिखाई देता है। अपने कार्यकर्ताओं को कैसे स्नेह देना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे बढ़ाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को समाज कार्य में कैसे लगाना चाहिए। तो आज भी ध्यान आता है, जब अलग अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं से बात होती है, तो ऐसा ध्यान में आता है कि ऐसे लाखों हजारों कार्यकर्ताओं के हृदय में निवास करने वाले और लाखों कार्यकर्ताओं को अपनी पढ़ाई के साथ, अपने कैरियर के साथ समाज कार्य में, राष्ट्र कार्य में लगाने का कार्य अगर किसी ने किया है, तो वो यशवंत राव जी ने किया है। चाहे हमारी बैठक हो, प्रवास हो, पूर्व योजना पूर्ण योजना हो, मत अनेक निर्णय एक हो, ऐसी अनेक बातें, हमारा प्रारूप कैसे बने, अभ्यास वर्ग कैसे चले, अधिवेशन कैसे चले, ऐसी सभी बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान यशवंत राव जी रखते थे। और उसी पद्धति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि हम नए को स्वीकार करते हैं, लेकिन पुराना भी हम छोड़ते नहीं हैं। जो अच्छा है उसको स्वीकार करने का भाव हमको उन्होंने सिखाया। छात्रा कार्य ऐसे ही नहीं बढ़ा। जब महामंत्री प्रतिवेदन में आ रहा था कि देश भर में छात्रा कार्य ने प्रगति की है, तो ध्यान में आता है कि यशवंत राव जी प्रारंभ से ही छात्रा कार्य के हितैषी थे, कि समाज को यदि सुदृढ़ होना है, राष्ट्र को यदि विश्व गुरु बनना है, तो छात्र छात्राओं ने मिलकर के काम करना होगा। तो वो करेंगे कैसे? कठिनाइयां तो हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को धीरे 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 दूर करते हुए पहली बार 1961 में जब इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, तो वहां पर पहली बार छात्राओं का भी, छात्रों का समावेश हुआ। यह आग्रह यशवंत राव जी का था। और वो जो कुछ छात्राएं, 5-6 छात्राएं उस अधिवेशन में शामिल हुई थी, वो 6 ने कब 6 लाख का रूप ले लिया, ऐसा पता ही नहीं चला कैसे ये विकास की गंगा आगे बहती चली गई। और सिर्फ छात्राएं समाहित सम्मेलनों में ना आए, अधिवेशनों में ना आए, सिर्फ पुष्प गुच्छ देने के लिए ना आए, तो बल्कि छात्राएं बैठक लें, छात्राएं पदाधिकारी बने, छात्राएं निर्णय प्रक्रिया में सहभागी हों। और आज जब हमारे कई बार मंच से राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील जी जब ये बात बार बार कहते हैं, और हम सब अपनी अपनी बैठकों में जब ये बात कहते हैं कि छात्राओं का बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो वो रिजर्वेशन की बात नहीं है, वो बात है समाज में उनकी स्वीकार्यता की। और इस स्वीकार्यता का आग्रह यशवंत राव जी ने किया। एक बार उदाहरण ध्यान में आता है कि एक प्रांत का अधिवेशन था, नियंत्रक बनाने की बात आई, तो कहा कि छात्रा को बनाते हैं, सुजाता नाम था उस छात्रा का। तो कुछ नए छात्र भी थे उसमें, उन्होंने कहा कि नहीं, छात्रा वो क्या नियंत्रण करेगी, छात्राओं के नियंत्रण में तो कुछ आता नहीं है। और थोड़ा हल्की बात की, यशवंत राव जी भी वहां थे, उन्होंने कहा कि हम समाज का कार्य करने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं, हमें कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता हो। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अगर कोई महिला है तो ही उसका सम्मान होना चाहिए, ये विचार ठीक नहीं है, उसी प्रकार से कोई महिला है, छात्रा है, इसलिए वो कुछ अच्छा काम नहीं कर सकती, इसलिए उसको थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए, ये विचार विद्यार्थी परिषद में ना था, ना है और ना रहेगा, यही सोच हमारी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने स्थापित किया। सामाजिक समरसता के वे पुरोधा थे। और जो जो उन्होंने कहा, जैसे कई बार कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर ना होना, ये उन्होंने अपने जीवन से दिखाया। और मैं तो ये मानती हूं कि जो पथ उन्होंने दिखाया, यहां बैठे अधिकांश लोग, अधिकांश नहीं तो मैं कहती हूं कि 100% जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्राध्यापक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो पूर्णकालिक हो, सबके जीवन में वो दिखाई देता है कि मैं जो कहूं वो करूं, जो मैं करूं वो ही मैं कहूं। ऐसा यशवंत राव जी ने जब सामाजिक समरसता की बात आई,
तो एक उदाहरण आता है, एक कार्यकर्ता ने बड़े सजल नेत्रों से एक बात कही। वो प्राध्यापक थे, नए नए प्राध्यापक बने, युवा थे लेकिन दलित थे, तो उन्होंने बार बार उन बहुत इंटेलिजेंट थे। यशवंतराव जी का आग्रह था कि वो विद्यार्थी परिषद में काम करें, लेकिन उनके पिता जो उस प्राध्यापक के पिता थे वो कहते कहाँ जाओगे इनके बीच में, तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो उसके मन में भी एक दिन परीक्षा लेने की आई और वो यशवंतराव जी के घर पहुँच गए। घर जाने के बाद और जैसे ही वो खड़े हुए, मन में एक भय सा तो था, एक डर तो था कि मैं किसकी परीक्षा लेने निकला हूँ, लेकिन परीक्षा तो लेनी थी। वो जैसे ही अंदर प्रवेश किया और बैठे तो यशवंतराव जी ने कहा, दूर से आए हो, प्यास लगी होगी। उसने कहा जी। तो बोले अंदर जाओ, रसोई में घड़ा रखा है, वहां ग्लास रखा है, दो ग्लास पानी लेके आओ, तुम्हारा भी और मेरा भी। वो प्राध्यापक आंखें नीचे किए, उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। जो ग्लास पानी का लाया दो बूंद उसमें भी गिरी, उस खारेपन को उसने भी महसूस किया, लेकिन यशवंत राव जी ने उसमें मीठापन महसूस किया। और उस कार्यकर्ता को उस दिन ध्यान में आया कि तुम परीक्षा किसकी ले रहे हो, ये तो साक्षात भगवान का रूप है, जो जीता है वो कहता है, जो कहता है वो जीता है। ऐसा सामाजिक समरसता का भाव हम 6 दिसंबर मनाते हैं। हम नाम के लिए 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती नहीं मनाते, बल्कि ये हमारे कर्म में है, हमारे हृदय में है, हमारी आत्मा में है। सबका समावेश, सब साथ चलें, सब साथ रहें, पूर्णकालिकों के बारे में विशेष आग्रह रहता था। मैं आज हमेशा अपनी बहुत बातों में कहती हूँ कि पूर्णकालिक मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत सम्मान के पात्र हैं। सम्मान के पात्र मात्र इसलिए नहीं कि उन्होंने घर छोड़ दिया, सम्मान के पात्र इसलिए हैं कि उन्होंने जब आज के भौतिकवादी युग में सबको अपने कैरियर की पड़ी होती है, ऐसे समय में अच्छी पढ़ाई करने के बाद, कोई IITian है, कोई मेडिकल से है, कोई बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में जिसने पढ़ाई की है, तो वो कुछ भी अच्छा लाख का करोड़ का पैकेज लेकर के काम कर सकता है, लेकिन ये निर्णय करके कि मुझे समाज कार्य में लीन रहना है, अपना घर छोड़ता है, समाज के काम में लगता है, अपने 24 घंटे दिन के नहीं तो वर्ष के 365 दिन विद्यार्थी परिषद और समाज के काम के लिए देता है, तो वो आदरणीय है, वो सम्मान का पात्र है, श्रद्धा का पात्र है। लेकिन उसकी चिंता भी करनी पड़ती है। वो बाहर निकल आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी सबकी चिंता करेगा, उसकी चिंता किसी को नहीं करनी। तो प्राध्यापक कार्यकर्ता और बाकी सब पालक कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसकी चिंता करें। और उन्होंने एक बार कहा, एक कार्यकर्ता पूर्णकालिक छुट्टियों के दीपावली का त्योहार था, उसने कहा कि क्या मैं अपने घर जा सकता हूं। वो स्तब्ध हो गए, इसलिए नहीं कि वो घर जाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि जहां वो है वहां उसको घर का ऐसा एहसास नहीं है। गलती किसकी, समाधान कौन करेगा? तो वहां के जो पालक कार्यकर्ता थे उनसे बात की यशवंतराव जी ने कि हम पालक कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारे यहाँ पूर्णकालिक है उसको इतना प्रेम दें कि मेरा घर ही उसे अपना घर लगने लग जाए, और कोई भी त्योहार हो उसको अपने घर की याद ही ना आए। जब ये माहौल, ये अपनत्व, ये स्नेह हम उसको देंगे, उस दिन वो समाज का कार्य ठीक से कर पाएगा, नहीं तो हमारा काम करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मात्र पूर्णकालिक की चिंता नहीं, तो प्राध्यापक कार्यकर्ता और बाकी सब कार्यकर्ताओं का पूर्णकालिकों के साथ समन्वय कैसे हो सकता है, इस पर भी उन्होंने कहा कि अगर पिकनिक पर जाना है तो अकेले पूर्णकालिक ही जाएंगे, प्राध्यापक नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, बाकी कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, ऐसे सबको साथ में रह करके एक परिवार भाव के साथ हम कैसे रह सकते हैं, ये आदर्श उन्होंने स्थापित करके दिखाया। बहुत सारे उदाहरण हैं प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी के बारे में, जब हम कहने चल पड़ते हैं कई बार लगता है अपने कैरियर में हम भ्रमित हो जाते हैं कि हम क्या करें, हम अपनी नौकरी के साथ, अपने काम के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ कैसे समन्वय स्थापित करें, और ऐसे में कभी कभी मन करता है कि अब हमको विद्यार्थी परिषद के काम से पीछे हट जाना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो उस संभ्रमित, जैसे अर्जुन भ्रमित हो गया था और उसको उस भ्रम से बाहर निकालने का कार्य श्री कृष्ण ने किया था, ऐसे ही विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे कार्यकर्ता जब इस भ्रम में आ जाते हैं कि मैं समाज का काम करूं या ना करूं, तो ऐसे आज के दिन भी बहुत सारे यशवंत राव हमारे बीच में बैठे हैं जो उनको इस भ्रम से बाहर निकालने का काम करते हैं और लगातार इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ कहने का है, एक ही बात और कहूंगी उनके विषय में। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अनुभव के साथ और दायित्वों के साथ
हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर मातृभाव बढ़ना चाहिए। जैसे माँ कभी किसी के लिए शिकायत नहीं करती, माँ कभी किसी पर आरोप नहीं लगाती, बाकी घर के बच्चे बड़े काम करें ना करें माँ अपना काम आराम से करती रहती है, उसी प्यार से सबको भोजन कराती रहती है। ऐसे ही विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए जैसे जैसे हमारा दायित्व तो बढ़ता है हमारा मातृभाव बढ़ना चाहिए और नए कार्यकर्ताओं ने कितनी भी गलतियां की हो उनको सुधारते हुए अपने विद्यार्थी परिषद के इस कार्य को लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये भाव लेकर के हमें विद्यार्थी परिषद का काम करना चाहिए। और ऐसे शिल्पी के लिए लगता है कि ये जो देवत्व का भाव मेरे मन में और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के मन में आया है तो वो असमय ही नहीं आया है, उसके पीछे कारण है। तो चार लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है, सृजन में चोट खाता है छेदी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, कहीं भगवान होता है। और मुझे लगता है जब यशवंत राव जी चिर निद्रा में लीन होने लगे होंगे ऐसा एहसास पता नहीं क्यों मन के अंदर आता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक वेदना तो नहीं कहूंगी, एक खुशी के साथ उन्होंने सोचा होगा कि ये कार्य लगातार बढ़ता रहेगा, उसके लिए आह्वान किया होगा, तो कहीं शायद इस तरह से एक बात कह सके होंगे कि अस्तांचल की ओर चलते हुए रवि ने पूछा, अस्तांचल की ओर चलते हुए रवि ने पूछा मेरा स्थान लेगा कौन। टिमटिमाते दिए ने कहा कि मेरे अंदर आप जैसा प्रखर तेज तो नहीं, लेकिन फिर भी आपका मैं प्रयास अवश्य करूंगा, आपका स्थान मैं लूंगा, आपका स्थान मैं लूंगा। तो ये जो टिमटिमाते दिए हैं ये सब मिलकर के यशवंत राव जी जैसे उस प्रखर सूर्य जैसा बनने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे, इसी आशा के साथ हम उनको पुनः श्रद्धांजलि देते हैं। जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सुश्री ममता यादव जी, आपने जो यशवंत राव जी का जीवन एक कार्यकर्ता का जीवन कैसा है उसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार का घोषणा करने हेतु मैं अपना राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनय बिंद्रे जी से अनुरोध करता हूँ। जय जगन्नाथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस शिक्षक का राष्ट्रीय अधिवेशन में एक सुंदर कार्यक्रम में हम सभी बैठे हैं। इस वक्त मंचा सिंह विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नागेश जी, इस वक्त के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता इम्तियाज अली जी, सुश्री ममता यादव जी, गोविंद नायक जी, उपस्थित सम्मान्य नागरिकगण, पत्रकार, मेरा कार्यकर्ता बंधु भगिनी, हम सभी के लिए प्रेरणा स्त्रोत्र एक प्रखर राष्ट्र चिंतक तत्वनिष्ठ कार्यकर्ता प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी के बारे में एक बहुत अच्छा उद्बोधन हम सभी सुना। प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिल्पकार हैं। विद्यार्थी परिषद के विकास और कार्य विस्तार में उन्होंने बहुत महत्व का योगदान दिया। एक अच्छे शिक्षक के नाते, समाज चिकित्सक के नाते उन्होंने समाज के सभी क्षेत्र में युवा कार्यकर्ता, युवा लोग एक अच्छे वातावरण निर्माण करने के लिए, समाज में कुछ गंभीर समस्या है समस्या के परिहार सोचने के लिए काम करना ऐसे सोचे थे। उन्होंने इस विषय लेकर काफी काम किया, मार्गदर्शन भी किया। एक राष्ट्रीयवादी विद्यार्थी संगठन के नाते उनके विचार लेकर जाने वक्त हम भी ऐसे अलग अलग क्षेत्र में खुद का वैयक्तिक जीवन छोड़कर समाज का जीवन के लिए
काम करने वाला, साथ ही वैयक्तिक जीवन के साथ साथ समाज के काम करने वाला हजारों लोगों को इंस्पिरेशन आज पूरा समाज के लिए मिल रहा है। विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुनके उनके सम्मान करना, ऐसे कार्यकर्ताओं को कर्तृत्व व्यक्तित्व को समाज के आने, विद्यार्थी शक्ति के आने लेकर आना, सम्मान करना, इस सम्मान से पूरा छात्र शक्ति प्रेरणा लेकर और थोड़ा तेज से ऐसे समस्याओं के परिहार ढूंढने में काम में लगना, ऐसा सोचकर 1991 में प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार प्रदान शुरू किया। छात्र और युवा के साथ एक बहुत अच्छी तरह सोच लेकर काम करने वाले मुंबई के विद्यार्थी निधि न्यास और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जॉइंटली यशवंतराव युवा केलकर पुरस्कार को प्रदान कर रही है। ये सिर्फ यशवंतराव जी को स्मृति के लिए एक कार्यक्रम नहीं कर रहा है, इस प्रेरणा से हजारों संख्या में कार्यकर्ता उभर कर आना है, वो काम करना है, इस काम के माध्यम से समाज में कुछ गंभीरता समस्या है, समस्या का परिहार ढूंढना है, विद्यार्थी परिषद का असली मन है इस विषय के नीचे। प्रोफेसर यशवंतराव केलकर इस युवा पुरस्कार अभी तक बहुत लोगों को मिले हैं, 91 से लेकर 2015 तक का सूची देखे तो एक गौरवता भाव मुझे महसूस होता है, एक गौरवता भाव महसूस होता है। पिछले हमारे अमृतसर अधिवेशन में सुश्री अरुणिमा सिन्हा जी को यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार से हम लोग सम्मान किया, खुद विकलांग है, विकलांग के ऊपर आकर लाखों विकलांग का मन में एक नया उत्साह सृजन करने का काम उन्होंने किया, खुद विकलांग होने के नाते भी एक पैर नहीं है, ऐसा स्थिति में उन्होंने हिमाचल हिमालय एवरेस्ट को चढ़ा, ऐसा एक व्यक्ति को हमने पिछले हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मान किया। गिरीश कुलकर्णी का नाम हम जानते हैं, रेड लाइट एरिया में वेश्यावृत्ति में लगे महिलाओं के जीवन सुधार में काफी काम किए हैं, उनको हम लोग सम्मान किया। कर्नाटक के अरुण आनंद नाम से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यू लेकर जैविक कृषि में काफी काम किया, उनको हम लोग प्रदान किए हैं। ऐसा ही कम से कम 25 लोगों को विद्यार्थी परिषद ने ऐसा हमारा युवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। विद्यार्थी परिषद एक डेमोक्रेटिक फोरफ्रंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते पूरा देश में विद्यार्थी परिषद का कार्य है। विद्यार्थी परिषद का स्ट्रक्चर के अंदर भी कौन ऐसे समाज में काम कर रहे हैं वो पता चलता है, इसके साथ साथ कौन ऐसा काम कर रहा है उनसे खुद हम एप्लीकेशन मांगते हैं, साथ में दूसरा एक व्यक्ति वो लोग ऐसे अच्छा काम कर रहे हैं उनको ऐसे चुन सकते हैं, इस प्रशस्ति के लिए ऐसा बोल पाते हैं। ऐसा हम लोग प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार को व्यक्ति को चुनने के लिए चयन करने के लिए हम एप्लीकेशन मांगते हैं, ऐसे इस बार भी काफी एप्लीकेशन आया, ऐसे एप्लीकेशन में खुद एप्लीकेशंस खुद लोगों ने दिया, कुछ एप्लीकेशन के बारे में हमारा दूसरों व्यक्तियों ने उनको एक बहुत अच्छा एक्टिविटी देकर उन्होंने सेकंड किया, विद्यार्थी परिषद के नाते भी कुछ लोगों को हम आइडेंटिफाई किया। प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी, हमारा ज्येष्ठ कार्यकर्ता गोपाल शर्मा जी और मनोज जी, वो तीन लोगों को एक समिति चयन प्रक्रिया में लगे थे, इस चयन प्रक्रिया में कितना एप्लीकेशन आया उतना एप्लीकेशन के बारे में देखकर अंतिम संदर्भ में इस वक्त का जरूरत क्या है, आज पूरा देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में काफी डिस्कशन हो रही है, ये समय का अवसर भी है, ऐसे काम में सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, शहरी समस्या के उत्तर ढूंढने वक्त कौन रैक पिकर्स होता है उन लोगों का जीवन में एक उत्साह बढ़ाने का काम उन्होंने किया है,
सार्थक सामुदायिक विकास एवं जनकल्याण संस्थान द्वारा प्लास्टिक ठोस अनुपयोगी सामग्री का प्रबंधन एवं कूड़ा बिनाने वालों के उत्थान परियोजन दिशा में उल्लेखनीय योगदान किया श्री इम्तियाज अली जी को 2015 का यशवंतराव केकर युवा पुरस्कार से चुने हुए हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सभी के लिए सहर्ष का विषय है। आदरणीय इम्तियाज अली जी के माताजी भी इस सुंदर समारंभ में उपस्थित है। मैं माताजी से अनुरोध करता हूं आप कृपया इस प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी निधि न्यास द्वारा देना पड़ता है। इसमें 50,000 रुपए नगद, साथ में स्मृति चिन्ह और साथ में एक प्रशंसा पत्र भी होगा। हम सभी के ओर से मैं इस वक्त के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं अनुरोध करता हूं प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार को श्री इम्तियाज अली जी के लेकर आप सम्मान करें। इस साल के प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री इम्तियाज अली जी को हम विद्यार्थी परिषद के तरफ से आभार उनके अभिनंदन करते हैं और इस कार्यक्रम के आगे लेते हुए आज का मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अभी आपके सामने अपना मनोगत रखने के लिए आज का पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री इम्तियाज अली जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना मनोगत आपके सामने रखें। आदरणीय मंच और उपस्थित मेरे साथियों, आज के जीवन में प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग मानव जीवन के में इस तरह से घुल मिल गया है कि प्लास्टिक पन्नी या प्लास्टिक के पॉलिथीन और प्लास्टिक से बने उत्पादों के बगैर जीवन की कल्पना करना शायद मुश्किल है। पूर्व में वर्ष 2008 में भोपाल में, जो कि एक पथरीला एरिया है, पहाड़ों पे बसा हुआ है, वहाँ पर भी बाढ़ आ गई और निचली बस्तियाँ जो थी वो जलमग्न हो गई। हमारे स्वयंसेवक और हम लोग कुछ झुग्गी क्षेत्रों में काम करते थे और उन झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा पर हम काम कर रहे थे। जब 2008 में हम लोगों ने देखा कि ये बाढ़ भोपाल में क्यों आई,
तो साथियों उसका मुख्य कारण जो था वो ये पॉलीथीन थी, पतली वाली पॉलीथीन जो कि 20 माइक्रोन से कम की थी। उसी समय हमने भोपाल में एक सर्वेक्षण किया कि प्रतिदिन 12 से 20 गायों की मृत्यु सिर्फ पॉलीथीन खाने से हो रही। जब एक छोटे से भोपाल शहर की जिसकी आबादी मात्र 18 लाख उस समय पर थी कि 15 से 20 पशुओं की मृत्यु, गायों की मृत्यु वहां पर पॉलीथीन खाने से हो रही है, तो आप भारत के अन्य नगरों की तुलना कर सकते हैं कि जो दृश्य सामने आया वो दिल दहलाने वाला था। और कभी किसी को ये दृश्य अगर देखना हो तो हमारे शहर, हमारे गाँव के आसपास जो भी गौशालाएँ हैं उन गौशालाओं के पीछे जहाँ इन मृत पशुओं के अवशेषों को रखा जाता है, वहाँ पर जाकर आप देखें कि वहाँ पलनी पॉलीथीन ही पॉलीथीन मिलेगी। जब हम लोगों ने सर्वेक्षण किया और अध्ययन किया तो देखा कि एक एक पशु के आमाशय में से 20 से 22 किलो पॉलीथीन निकल रही थी जो कि बहुत ही नुकसानदेह थी। इसी समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने 20 माइक्रोन की जो पतली पॉलीथीन थी उसको बैन कर दिया। बैन करने के बाद स्थिति और विकराल हो गई क्योंकि इससे पहले व्यवस्था ये थी कि जो कचरा बीनने वाले जो रैक पिकर्स हैं, क्योंकि जब हम सुबह सोकर उठते भी नहीं है, 4 बजे वो घर से निकलते हैं और हमारे द्वारा फेंके गए कचरे में से कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ों को चुनकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। साथियों इन कचरा बीनने वालों के माध्यम से पूरी पॉलीथीन इकट्ठा होती थी और वो कबाड़ी के माध्यम से, कबाड़ी वाले के माध्यम से पुनः चक्रित होकर बाजार के अंदर वो प्लास्टिक आ जाता था। लेकिन जैसे ही 3 फरवरी 2008 को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर इस प्लास्टिक को बैन किया गया तो स्थिति विकराल हो गई। जलीय स्रोत हो, खाली ग्राउंड हो, कॉलोनी के खाली प्लाट हो, नाले हो, हर जगह पॉलीथीन तरह तरह फैली हुई थी और हर जगह पॉलीथीन ने एक अपना प्रकोप फैला रखा था। समस्याएं थी, काम करने वाली नगरीय निकाय जो कॉरपोरेशन हैं ये बोलती हैं कि हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास उतनी वित्तीय व्यवस्था नहीं है कि हम इस पूरे कचरे को प्रबंध कर सकें। ऐसे में आवश्यकता थी कि यदि नगरीय निकाय इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो ये काम कैसे होगा। तो साथियों जब समस्या होती है तो निदान में निकल कर आता है। उसी समय में चित्रकूट में एक कार्यक्रम में था तो नानाजी का एक कथन जिसने मुझे इंस्पायर किया या जिसने मुझे प्रेरित किया और पूरी मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित किया उस वाक्य ने कि मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं अपनों के लिए हूं और अपने वो हैं जो दरिद्र और पिछड़े हैं। नाना जी का जब ये कथन मैंने पढ़ा, उसको अपने जीवन में अपने हृदय पे जब मैंने उतारा तो साथियों एक सप्ताह तक रात में भी नींद नहीं आई कि ये क्या वाक्य था, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। मैं फिर चित्रकूट गया, अभय जी के समक्ष मैंने बात की तो नाना जी का कथन था कि ठीक है शहरी क्षेत्र के दरिद्रों के लिए काम करो। अब शहरी क्षेत्र का दलित कौन था, मुझे लगा कि ये कचरा बीनने वाला रैक पिकर जो हमारे फेंके गए कचरे में से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, इसके लिए हमें कार्य करना है। शासकीय सेवा में था, उसी समय मैंने शासकीय सेवा से अपने आप को विमुक्त किया। परिवार में उस चीज़ का बड़ा विरोध हुआ, साथियों ने विरोध किया, परिषद के कुछ लोगों ने समझाया भी नहीं, सेवा के साथ साथ कार्य करो अच्छा रहेगा। लेकिन लगा नहीं कि दो नावों के अंदर सफर पार नहीं होता, लगा कि नहीं पूर्णकालिक होके और इसी कार्य को करना है और जीवन का एक ध्येय बना लिया कि अब प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और कचरा बीनने वालों के जीवन को मुख्य धारा में जोड़ना है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन रैक पिकर्स उत्थान परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2008 में हमारे सहयोगी जो स्वयंसेवक थे उन्होंने की और हम लोगों ने एक सार्थक नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया। अब समस्या थी कि स्वयंसेवी संस्थाएं बंद तो जाती हैं, एनजीओस बंद तो जाती हैं, लेकिन वो काम कैसे करें क्योंकि नई संस्थाएं होती हैं, शासन की अपनी एक कार्यप्रणाली होती है कि यहाँ से अनुदान 3 वर्ष के बाद मिलता है, जब वो 3 वर्ष के बाद अनुदान मिलेगा तब आप कार्य प्रारंभ कीजिए और शासकीय बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो हमने एक परिकल्पना की कि हम बगैर बजट के शून्य बजट परियोजना की परिकल्पना करेंगे, ना हम शासन से सहयोग लेंगे और ना हम किसी दानदाता एजेंसी से सहायता लेंगे और हम लोगों ने शून्य बजट परियोजना की परिकल्पना की। साथियों हमने स्थानीय नगरीय निकाय के कमिश्नर्स, कलेक्टर और वहाँ के जो प्रमुख सचिव थे उनके समक्ष बात की कि हमें एक छोटी सी आप
इस कचरे को रखने के लिए, कलेक्शन करने के लिए हमें कोई जगह उपलब्ध करा दीजिए ताकि हम इस काम को करें। अब शासन को लगा कि नहीं, बैन तो हो गई ये पॉलिथीन, इस पर हमें काम तो करना है, लेकिन इन्हीं के माध्यम से क्यों करें? शासन कुछ अपने आप में सक्षम है, काम कर सकता है, तो उन्होंने सहयोग देने से मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया, लेकिन काम प्रारंभ हो गया। तो हम लोगों ने एक जगह पर टाट के फट्टों से एक 10x15 के कमरे की स्थापना की और वहाँ पर ये पतली पॉलिथीन को एकत्र करना प्रारंभ किया। फिर हमने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संपर्क में आए, वहाँ के जो समय के तत्कालीन चेयरमैन थे उनसे बातचीत की, तो कहा कि एक ट्रायल रन सर अगर आप कर लें तो इस प्लास्टिक के निष्पादन की कोई एक व्यवस्था निकल के आ सकती है। उन्होंने कहा ठीक है आप प्रस्ताव दीजिए, हमने उन्हें प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव के बाद कोई काम नहीं। फिर हम लोगों ने पुनः उनसे बातचीत की, लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक दिशा निर्देश जारी किया कि आपने प्लास्टिक प्रबंधन के लिए क्या किया। फिर याद आया कि नहीं, वह एक परियोजना बनी थी, उन लोगों ने काम करना शुरू किया है। तो उस समय के जो सदस्य सचिव थे उन्होंने कहा जी सर हम लोगों ने एक परियोजना बनाई है और उस परियोजना का क्रियान्वयन हमने शुरू कर दिया है, ना उसमें सार्थक का नाम था और ना हमारे स्वयंसेवकों का नाम था, और उसका एक प्रस्तुतिकरण जो था मुख्य सचिव के समक्ष उन्होंने दिया। अब क्या था कि विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत तो मुझे भी मालूम था कि शासन में कैसे काम करना है, तो मैंने कुछ कमियाँ उस परियोजना प्रस्ताव में ऐसी डाल दी जिसका जवाब या तो मैं दे सकता था या मेरे जो सहयोगी थे वो दे सकते। प्रस्तुतिकरण साथियों शुरू हुआ और मुझे मालूम था कि आज 2 बजे मंत्रालय में इसका प्रस्तुतिकरण होना है। मैंने अपने साथियों को लिया और भोपाल से दूर जाके ऐसी जगह पर जहाँ पर मोबाइल काम ना करें और वहाँ जाकर बैठ गया। अब 1 बजे के बाद बैठक शुरू हुई, माननीय सदस्य सचिव ने जो था प्रस्तुतिकरण प्रारंभ किया और एक पॉइंट पर आकर वो रुक गए। अब प्रमुख सचिव वहाँ पर जो थे आवास एवं पर्यावरण के, उन्होंने कहा बताइए ये कैसे होगा। अब उनके पास उसका जवाब नहीं था, वो समझ गए कि ये किसी और का कट पेस्ट किया हुआ है, तो उन्हीं को लेकर आओ जिन्होंने प्रस्ताव बनाया। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी सब ढूंढने निकल गए, जिनको हम ढूंढते थे कि हमारी सुन लो, वो हमें ढूंढने निकल गए, हम लोग उपलब्ध नहीं हुए। दूसरे दिन प्रमुख सचिव का खुद फोन आया कि मैं आपसे 10 मिनट मिलना चाहता हूँ। जब मैं 10 मिनट उनसे मिलने गया तो साथियों वो बैठक जो थी लगभग 2 घंटे चली, उनके समझ में आया कि नहीं इस काम को करना है। तब जाके 2008 में हम लोगों ने SEC सीमेंट कैमोर में एक ट्रायल रन किया जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइंटिस्ट थे, यदि इस प्लास्टिक पतली प्लास्टिक को जलाएं तो क्या परिणाम निकल के आएंगे। जल अभी भी रहा था, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो उसको कचरे को एक जगह इकट्ठा लेकर जाते हैं, उसको आग लगा देते हैं, उसके अंदर से फ्यूरान और जो मीथेन निकलती है वो मानव जीवन पर क्या दुष्प्रभाव डालती है, इस सबसे आप लोग अच्छी तरह से परिचित। तो जब इसको 800 डिग्री टेम्परेचर पर इस प्लास्टिक को बर्न किया तो इसमें से फ्योरान और मीथेन जारी हुआ, लेकिन जब इसको 1200 से 1400 डिग्री टेम्परेचर पर बर्न किया तो फ्योरान और मीथेन जो था वो शून्य हो गया, और जब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जांची गई तो वो कोयले से 3 गुना अधिक थी। हमारे परियोजना को एक आधार मिला और हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्र थे उन सब से हमारा एक अनुबंध कराया कि जो भी प्लास्टिक ये आपको कलेक्ट करके देंगे उसको आपको सह ईंधन के रूप में उपयोग करना है। तो साथियों हम लोगों ने भोपाल में एक सेंसस किया कि जो नगरीय जनसंख्या होती है उसका लगभग 2% भाग जो है वो ये कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स होते हैं। हमने इन कचरा बीनने वालों को आधार बनाया और भोपाल के हर मोहल्ले गली और जो खाली जगहें थी वहाँ से इस प्लास्टिक कचरे को एकत्र करना प्रारंभ किया और हम लोगों ने वर्ष 2009 में प्रतिदिन 7 से 8 मेट्रिक टन प्लास्टिक हम लोगों ने एकत्र करना प्रारंभ किया और लगभग 1600 कचरा बीनने वालों को हमने उस कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ा। साथियों जिन कचरा बीनने वाले की आय मात्र 60 से 70 रुपये थी आज उनकी आय बढ़कर 250 से 300 रुपये हो गई। तो जो प्लास्टिक एक भयंकर बीमारी के रूप में, एक दानव के रूप में हमारे समाज में विराजमान था, हमने उसको व्यवस्थित तौर पे कलेक्शन की एक पूरी प्रक्रिया अडॉप्ट की, उसके बाद इसमें काम बहुत कुछ होना था। भारत सरकार से एक गाइडलाइंस हम लोगों ने इसमें बनवाई, फिर वो मध्य प्रदेश शासन के पास आई, मध्य प्रदेश शासन से फिर उस गाइडलाइंस को बनवा के हम लोगों ने नगरीय निकायों में पहुँचाया। बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, अधिकारियों के पास जब मैं जाता था तो इस बात को सुनने से इंकार करते थे, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। लेकिन एक स्थिति ये आई कि केंद्रीय एक दल आया, प्रमुख सचिव ने
बोला कि एक केंद्रीय दल जो है आपके केंद्र का भ्रमण करना चाहता है, देखना चाहता है। उस समय के हमारे अभी भी जो लोकायुक्त थे उन्होंने लिखा, नहीं मैंने भी विदेशों के अंदर आपके इस मॉडल के बारे में सुना है तो मैं जानना चाहता हूँ। तो जो कमिश्नर कलेक्टर साथियों इस परियोजना के बारे में बातचीत करने से मना करते थे, उनका फोन आता है मेरे पास कि आज आपकी इस परियोजना को देखने के लिए ये दल आ रहा है, तो आप बताइए कब इन्हें पहुँचाएं। देखिए जब आपकी इच्छा हो आप पहुँचा दीजिए। साथियों उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे आएंगे। प्रशासनिक लोग हैं, उनकी व्यवस्थाएं अलग होती है कि हो सकता है कि परियोजना में कुछ नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे समय पर जाओ कि जब ना तो कर्मचारी हो ना इनकी इकाई संचालित हो। तो वो सुबह 6 बजे आने का उन्होंने हमें टाइम दिया। हम 7 बजे अपने केंद्र पर पहुंचे। जब तक लगभग 25 से 30 लाल बत्तियां हमारे केंद्र पर खड़ी थी और वो जो कलेक्टर और कमिश्नर और प्रमुख सचिव जिनको हम अपनी बात कहते थे लेकिन वो बात को नहीं सुनते थे, उन्हें वहाँ हम लोगों ने कुछ देर 1-2 घंटे का वहाँ पर इंतज़ार कराया और इंतज़ार के बाद फिर उस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ा के पूरे केंद्र का भ्रमण कराया। तो जो प्रशासन के पास हम जाते थे बाद में वो प्रशासन वहाँ पर आया और उस काम को उन्होंने देखा और समझा। प्लानिंग कमीशन की उस समय जो टीम आई थी उन्होंने कहा कि नहीं ये जो मॉडल है इसको तो भारत के सभी महानगरों में और नगरों में रिप्लिकेट किया जाना चाहिए। साथियों वो हुआ भी और आज चेन्नई के अंदर, पंजी के अंदर, पटना के अंदर, जयपुर के अंदर भोपाल मॉडल को रिप्लिकेट किया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन ने इस पूरी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर अपनी एक नीति बनाई है और नीति बना के उसको पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया है। पर 2011 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो प्लास्टिक अपशिष्ट अधिनियम की नीति निर्धारित की गई है उसमें जो जो अनुशंसाएं हम लोगों ने की थी उस अनुशंसाओं को पूरा का पूरा केंद्र शासन ने उसके अंदर रखा और एक पूरी नीति केंद्र स्तर पर बनी और सभी राज्यों को वो भेजी गई। फिर हम लोगों ने घर घर से कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था की। जो कचरा बीनने वाले सर पे ढो के कचरा लेकर आते थे, बोरों में भर के लेकर आते थे, उनके लिए हम लोगों ने इनोवेटिव रिक्शा डिजाइन किए और जो साथियों 5 रिक्शा से भोपाल में हम लोगों ने घर घर से कचरा कलेक्शन की जो प्रक्रिया शुरू की थी आज वो 850 रिक्शों के दौर पर भोपाल में संचालित है। जो प्लास्टिक कचरा हम 7 से 8 मैट्रिक टन पर डे कलेक्ट करते थे आज 20 से 22 मैट्रिक टन हम इन 2 शहरों के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं और सीमेंट इंडस्ट्रीज को अल्टरनेटिव फ्यूल दे रहा है और कोयले की भी बचत कर रहा है। इस कोयले की बचत के एवज में सीमेंट इंडस्ट्रीज हमें उस प्लास्टिक का 5.5 रुपए किलो का एक राशि देता है। वो 5 रुपए किलो हम कचरा बीनने वाले हमारे जो रैक पिकर्स हैं जिनको अब हम सार्थक कर्मी कहते हैं। भोपाल में पहली बार हम लोगों ने एक प्रोसेस किया कि जो कचरा बीनने वाले हैं इन्हीं पर सबसे ज्यादा पुलिस केस क्यों बनते हैं। हम लोगों ने अध्ययन किया उसका कि भाई जहां भी कॉलोनी मोहल्ले के अंदर चोरी हुई उस एरिया के अंदर जो कचरा बीनने वाला आया उसको उन्होंने केस रजिस्टर्ड कर दिया। तो हम लोगों ने पूरा एक क्लस्टर अप्रोच शुरू किया। हमने हर कचरा बीनने वालों को 250 से 300 घर अलॉट किए और रिक्शा के माध्यम से घर घर कचरा कलेक्शन करने की प्रक्रिया भोपाल ने प्रारंभ की और नगर निगम भोपाल को एक रेवेन्यू मॉडल दिया कि पूरा कचरा प्रोसेस करने में जो खर्चा आता है वो आता है 22 रुपये प्रति घर और हम लोगों ने 30 रुपये प्रति घर से उन लोगों से एक सेवा शुल्क लेना शुरू किया और सेवा शुल्क 7 रुपये पर हाउस होल्ड जो है वो नगर निगम भोपाल को बच रहा है जिससे कि उनका एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट हुआ। साथ ही जो कचरा बीनने वालों के जो बच्चे उनके साथ जो पिकिंग करने जाते थे उनके लिए हम लोगों ने रात्रिकालीन विशेष कक्षाएं आयोजित की। हमारे स्वयं सेवक और जो भी कॉलोनियों के अंदर जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे सहयोग किया और भोपाल के विभिन्न स्कूलों के अंदर हम लोगों ने 10-10 बच्चे उन स्कूलों के अंदर दिए हैं और अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। साथियों इस साल 750 बच्चों ने मिडिल की परीक्षा पास की और उनका परिणाम भी 80 से 82% है। हम लोगों ने प्लास्टिक के निर्माण के लिए प्लास्टिक का दोबारा उपयोग हो सके इसके लिए हमने मध्य प्रदेश में प्लास्टिक से सड़क निर्माण की एक प्रोसेस शुरू की और एक रिसाइकलिंग यूनिट के माध्यम से हम मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को प्लास्टिक सप्लाई करते हैं और आज हमारे पास मध्य प्रदेश के 4 शहरों में जो हम काम कर रहे हैं लगभग 3200 कचरा बीनने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी शिक्षा की, इनकी स्वास्थ्य की, इनके जीवन बीमा की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं और भोपाल में पहली बार इन कचरा बीनने वालों के कमिश्नर भोपाल के साइन से हम लोगों ने आइडेंटिटी कार्ड इश्यूज कराए और आज सारे वो कचरा बीनने वाले
सम्मानजनक रोजगार पा रहे हैं और रिक्शों के माध्यम से कचरे को कलेक्ट करते हैं। हम लोगों ने हर 5 लाख की पॉपुलेशन पर एक एक कलेक्शन सेंटर स्थापित किया है और एक पूरा मैकेनिज्म भोपाल प्लास्टिक वेस्ट मॉडल का डेवलप किया है, राज्य शासन को दिया है और विभिन्न राज्य शासन ने इस परियोजना को जो है अपने यहाँ क्रियान्वित कर रही है। और मेरा मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध था कि सभी नगरीय निकायों के अंदर ये परियोजना लागू की जाए। मध्य प्रदेश शासन ने उसको अभी मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत उसको एक्सेप्ट किया है और सभी नगरीय निकायों के अंदर इस तरह के केंद्र स्थापित हो रहे हैं। अगले 3 महीनों के अंदर 89 सेंटर मध्य प्रदेश के अंदर बन जाएंगे और हम 50 मैट्रिक टन प्रतिदिन ये 40 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक इकट्ठा करके सीमेंट संयंत्रों के क्लीन में जलाकर सही के रूप में उसका उपयोग करेंगे और कोयले की बचत करेंगे। और साथियों, इससे लगभग 20 से 22 हजार कचरा बीनने वालों परिवारों को, सार्थक कर्मियों को रोजगार उपलब्ध होगा और वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। हमारा काम यहीं शुरू नहीं, खत्म नहीं हुआ। हम लोगों ने प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगे इस पर भी काम किया और साथ ही प्लास्टिक के जो कैरी बैग हैं इनका चलन कम हो इसके स्थान पर हम लोगों ने जो पेपर बैग्स होते हैं इसकी हम लोगों ने इकाइयाँ स्थापित की हैं और इन्हीं कचरा बीनने वाली महिलाओं को जो कि कचरा बीनने नहीं जा सकती हैं उनके माध्यम से हम लोग भी जो है इस तरह के कागज़ के बैग बनाकर उनको स्वरोजगार से जोड़ा है और कई मॉल्स और कई मार्केट्स हैं जिन्होंने इन इस तरह के बने हुए प्लास्टिक बैग के अलग करके कागज़ के बैगों का जो है चलन भोपाल में शुरू किया है। साथियों, ये परियोजना जो है आज देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी लागू की गई है। इस्टमोर जो फिलीपींस के पास एक कंट्री है वहाँ पर मांटाटो शहर के अंदर इस प्रोजेक्ट को जो है भोपाल मॉडल के नाम से रिप्लिकेट किया गया है। कई दूसरे राज्यों के सेक्रेटरी स्तर के लोग इस कार्यक्रम को देखने आए हैं और देखकर उन्होंने अपने अपने राज्यों के अंदर इसको रिप्लिकेट किया है। तो ये शून्य बजट परियोजना जो सार्थक ने प्रारंभ किया था ये संभव हो पाया इच्छा शक्ति से और इच्छा शक्ति की उत्पत्ति जो हुई वो चित्रकूट धाम से हुई जहाँ नानाजी देशमुख के उस कथन ने इतना इंस्पायर किया कि निश्चित तौर पर हमें इन कचरा बीनने वालों के साथ काम करना है। और आज भोपाल मॉडल देश ही नहीं विदेशों के अंदर नानाजी के आशीर्वाद से और इतने बड़े जो आज में इस मंच का और विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का और उनके पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी एक छोटी सी प्रयास, सार्थक प्रयास जो हमने की थी उसको आपने मनोयन दिया और इस लायक समझा कि इतना बड़ा पुरस्कार मैं कल्पना नहीं कर सकता था। जब मेरे पास आदरणीय मिलिंद जी भाई साहब का फोन आया कि तो मैं कुछ देर तक तो शौक रहा कि क्या ये पुरस्कार हमें मिल रहा है। मैंने अपने सहयोगियों को बताया तो साथियों ये पुरस्कार लेके मैं ही नहीं हमारे साथ जो 6,650 कचरा बीनने वाले हैं वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये उन लोगों का सम्मान है ना कि सार्थक का या मेरा सम्मान। साथियों, मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में शायद ये पुरस्कार जो है प्रथम बार दिया जा रहा है। तो मैं मध्य प्रदेश की वो जनता, वो नगरीय निकाय जिन्होंने हमारी इस परियोजना को मदद की है, मैं उन सब की तरफ से इस चयन समिति का और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सब से अनुरोध करता हूँ कि ये परियोजना जो भोपाल से शुरू हुई है ये भोपाल या मध्य प्रदेश में के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है। और प्लास्टिक कचरे के जो दुष्प्रभाव हैं उस सबसे आप परिचित हैं कि जलवायु परिवर्तन जो एक मुख्य मुद्दा है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है इस प्लास्टिक को जलाने से, उसको रोकने में आप सबका सहयोग वांछित है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज इस सभागृह में जो छात्र शक्ति बैठी हुई है वे इस प्रण को लेकर यहाँ पर जाएगी कि अपने जीवन में प्लास्टिक बैगों का उपयोग कम से कम करें और आगे चल के इसका उपयोग बंद करें और प्लास्टिक प्रबंधन में अपने अपने क्षेत्रों में काम करके जो स्थानीय संस्था है या नगरीय निकाय हैं उनको सहयोग करके इस भोपाल मॉडल को और नाना जी के उस सपने को, निर्धनों के उद्धान के सपने को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद इम्तियाज जी जिन्होंने नाना जी का वो वाक्य को साकार किया कि मैं अपने के लिए नहीं अपनों के लिए हूँ। और सारी छात्र शक्ति को भी उन्होंने आह्वान किया कि इस ये प्लास्टिक प्रबंधन के काम में वो भी जुट जाए। धन्यवाद। अभी आज का इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं
अनुरोध करता हूं कि वो अपना भाषण यहां रखें। प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार की विजेता मित्र इम्तियाज अली जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई नागेश ठाकुर जी, इस अधिवेशन में अगले सत्र के लिए नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री विनय विद्रे जी, परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता बहन ममता यादव जी, उड़ीसा प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय गोविंद नायक जी, इस सभागार में उपस्थित परिषद के शुभेच्छु, परिषद के उड़ीसा प्रांत के पूर्व कार्यकर्ता और प्रदेश भर से आए हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को उड़ीसा के पूर्व कार्यकर्ता के नाते इस अधिवेशन में स्वागत करता हूं। और आज अंतिम दिवस में समारोह के पहले परिषद की फ्यूचर में पिछले कई सालों से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की ये जो रचना ये योजना बनी है, और कभी कभी थोड़ा पीछे मुड़ के अगर उसको हम समीक्षा करते हैं, जिन्होंने उस पुरस्कार के बारे में सोचा और हर एक साल उसमें जो नवीनता लाने की कोशिश की गई, संजोग देखिए इन्हीं दिनों में विश्व की तमाम नेतृत्व, विश्व की परिवेश के बारे में चिंता जताने के लिए पेरिस में इकट्ठा हो रहे हैं। अभी सब पहुंच ही रहे होंगे, कल भारत की प्रधानमंत्री भी सुबह वहां पहुंचेंगे। COP21 के नाम पे वो जमावड़ा होगी, विश्व की कार्बन एमिशन के बारे में चिंता जताई जाएगी। और सुखद संयोग परिषद जैसे स्वभाव की है, जिस विचार की है, एक आदर्श, एक आधुनिक, एक दूरदृष्टि रखने वाले छात्र आंदोलन के नाते, सामाजिक संगठन के नाते, उन्होंने इसी साल युवा पुरस्कार भी ऐसे व्यक्ति को दिया जिन्होंने गिलहरी सही मित्रों सेतुबंध सिर्फ हनुमान जी ने नहीं बांधा था, अंत नील इतने ही लोगों ने नहीं बांधा था, उसमें गिलहरी की भूमिका थी। और भारत की यही परंपरा रही है जिसको आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रिकॉग्नाइज किया कि एक गिलहरी को जब विश्व की नेतृत्व इकट्ठा हो रहा है विश्व की परिवेश के बारे में चर्चा करने के लिए, और जिन्होंने ज्यादा ही बर्बाद किया वो ज्यादा आज वकालत करते हैं। और ऐसे ही स्थिति में भारत अपने परंपरा को बढ़ाते हुए और परिषद उसमें से कैसे पीछे छूट जाता उस परंपरा को आगे ना बढ़ाते हुए, आज ऐसे ही गिलहरी को आप सभी ने परिषद में आज सम्मान किया। और संयोग देखिए इस सभागार का नाम आपने भी रखा है पंडित गोपबंधु दास जी के नाम पे, और ये गोपबंधु दास जी वही है जब अभी भाई इम्तियाज जी कह रहे थे कि मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दिया, मैंने सबका सरकारी नौकरी छोड़ दिया, और नाना जी की उस बात मेरे मन में बैठ गई कि हम अपने लिए नहीं जिए, अपनों के लिए जिए। इसको कई सौ साल पहले इसी धरती में निभाया था पंडित गोपबंधु दास जी ने, जिन्होंने उन दिनों में उड़ीसा की सामाजिक परिस्थितियों में जो बाढ़ थी, जो अकाल थी,
उससे जूझने के लिए अपने परिवार को छोड़ते हुए समाज की चिंता करने वाले ऐसे ही गोपबंधु दास जी थे, और उन्हीं के नाम पर आज ये सभागार भी है। उड़ीसा इस परंपरा को सम्मान कर रहा है। मित्रों, एबीवीपी और प्रोफेसर यशवंत राव केलकर, ये दोनों शायद उसमें और एक दो नाम जुड़ना ही चाहिए, माननीय मदन दास जी, माननीय आप्टे जी, इन लोगों के नाम परिषद और उन व्यक्तियों महानुभवों के नाम, ये सिनोनिमस है, ये पर्यायवाची है। मित्रों, शायद प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी एक सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं थे और बहुत बड़ा कथाकार भी तो थे नहीं, या उनकी कोई बहुत अजोशी भाषण के कारण समाज और विशेष करके विद्यार्थी प्रभावित हुआ था, सिर्फ उतना ही नहीं, उन्होंने कुछ अपने जिंदगी में परिषद को, विद्यार्थियों को माध्यम करते हुए एक सामाजिक प्रयोग किया था। मित्रों, जैसे बहन ममता जी ने कहा कि मैं भी लंबे समय परिषद की कार्यकर्ता रहा, शायद गोविंद जी मेरे से थोड़ा नाराज है, मैं इस बार शायद अधिवेशन में कम काम किया, मेरे आयु थोड़ा छोटा कर रहे हैं, मैं 1983 से कार्यकर्ता हूं, मेरे को गोविंद भाई ने परिचय करा 84 का है, और मेरे को उन्होंने कहा कि विभाग संगठन मंत्री से शुरू किया, ऐसा नहीं, मैं नगर संगठन मंत्री से शुरू किया काम। मैं गोविंद भाई को फिर बाद में पटाऊंगा, शायद मेरे से मैं कम काम किया इसलिए मेरे पे वो नाराज है, इसलिए मेरे परिचय थोड़ा इधर उधर छोटा करके बता दिया। मित्रों, मैं भी, मेरे को याद नहीं आया, मैं लंबा समय में ही गिनती कर रहा था, 15 साल में परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम किया। मेरे को याद नहीं है कि मैं कभी उन्हीं दिनों में केलकर जी काम की व्यवस्था में, काम की भूमिका में रहते थे, लेकिन मेरे को कभी उनको प्रत्यक्ष मिलने की सौभाग्य मेरे याददाश्त में नहीं है, लेकिन कभी गहराई से शायद मैं परिषद को जब छोड़ा बाद में, उस समय तो तरुणाई की जोश में एक रोमांटिक आइडिया के साथ, एक विचार के प्रति आकर्षण के कारण हम लोग उसमें से जूझे थे और काम कर रहे थे, लेकिन मित्रों, मैं जब आगे मेरे सामाजिक जीवन में गया, मैं परिषद को समझा और प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी को समझा, उनकी 2-3 छोटे छोटे बातें रही जिसके बारे में यहां अभी चर्चा हुई, कि कोई भी काम की पूर्ण योजना और पूर्व योजना होनी चाहिए। मित्रों, तब हम उसको कर ही रहे थे, लेकिन तब समझे ही नहीं थे क्या होता है। कभी वो सुनील जी जैसे हम कहते हैं, कभी दत्ता जी कहते थे, कभी सत्ती जी कहते थे, वो कह रहे इसीलिए करना, लेकिन उसको बिना समझ के करने, जैसे आप लोग भी करते होंगे, यही हमारी पद्धति है। लेकिन मित्रों, जब बाद में आप भी जिंदगी में जाओगे, तब आपको समझ में आएगी ये 2 छोटी-छोटी शब्द में कितना गहराई छुपी हुई है, कितना गूढ़ बात उसमें से छुपी हुई है। कोई भी काम की सफलता होती है, कोई सामान्य व्यक्ति अपने जिंदगी में कुछ उपलब्धि करता है तो उसी काम को संलग्न होके उसकी पूर्ण योजना करता है, मेरे को कहां तक जाना है, कितने पहले जाना है, अगर उसकी ठीक से योजना कर पाता है, मित्रों, सफलता उसी हाथ लगती है। इसको एक विश्वविद्यालय के नाते परिषद ने हमारे जीवन में उतारा है, हम जिंदगी भर उसकी अगर ऋण चुकता करने के लिए काम करेंगे, तब भी मैं मानता हूं शायद पूरा नहीं हो पाएगा, ये जो 2 छोटी-सी रहस्य रही। मित्रों, ये सामाजिक जीवन में हम कई बात कहते हैं, सब मिलके काम करनी चाहिए, ये कहने के लिए तो बहुत बढ़िया बात है, टीम वर्क होनी चाहिए। आज की नई जिंदगी में पति पत्नी भी टीम नहीं बन पाते हैं, टीवी की सीरियल कौन कौन सा देखेगा, उसमें झगड़ा हो जाती है। मित्रों, बाकी संगठन सामाजिक जीवन में 2 लोग, विशेष करके हम जैसे लोग, अभी इम्तियाज भाई अभी कह रहे थे भोपाल की, उनकी अधिकारियों की अनुभव के बारे में, अधिकारी भारत में अधिकारियों को तो लगता है तो चौधरी तो हम ही लोग हैं, आता ही तो हम ही लोगों को है, उसको कहने की तरीका तो हम ही को मालूम है। मित्रों, आज की सामाजिक जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो 3 इडियट सिंड्रम है। मैं भले ही फेल हो जाऊं, मेरे मित्र फास्ट क्लास आ गया, ये मन मेरे मन में ऐसा है। मित्रों, ये
जो एक मनुष्य प्रकृति है उसमें सच में मैं आपको अभी थोड़ा अनुभव बताऊं। मैं अभी नागेश जी को पूछकर नागेश जी कार्य समिति घोषणा हो गया क्या, उन्होंने कहा कि नहीं अभी समारोह सत्र में होगी। अब जब समारोह सत्र में घोषणा होगी बहुत नए विद्यार्थी मित्र विद्यार्थिनी बहने कार्य समिति में आएंगे, दो चार उसमें से पदाधिकारी बनेंगे जिनको अभी मालूम नहीं होगा कि वो बनेंगे। यहाँ कोई तो लॉबी होती नहीं है, जिनके मन में नहीं आता है उन्हीं के नाम तय किया जाता है बनने के लिए। बहुत सारे ऐसे मैं मानता हूं, अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हम भी जब बने तो हमारी कल्पना में ही नहीं था हम वहां पहुंच पाएंगे। अच्छा, हम कार्य समिति के सदस्य के लायक हैं, हम राष्ट्रीय पदाधिकारी हो पाएंगे, हम प्रदेश में एक संगठन की जिम्मेवारी विभाग स्तर पर मिल पाएगा, शायद इसकी कल्पना मित्रों ये जो परिषद में रहा है जो परिषद में काम किया है वो ही अनुभव कर पाएगा, नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आज छोटी सी हम परिषद में काम करते करते हैं मजाक करते थे कि भारत में कम से कम 1,00,000 वैश्विक संगठन है, वर्ल्ड स्टूडेंट फोरम, इस प्रकार की वर्ल्ड दलित महासंघ कहां लक्ष्य है, वर्ल्ड की। क्यों ये वाल बनती है, क्योंकि मैं दूसरे बाजू गली में जो व्यक्ति रहता है वो और हम इकट्ठा काम नहीं कर पाएंगे, वो अखिल भारतीय बनाए तो मैं अखिल विश्व बनाऊंगा। ये कंपटीशन समाज में है, उसी में यशवंतराव केलकर जी की सामाजिक संगठनों में सही तरीके में सामूहिकता क्या होती है, टीम वर्क क्या होती है, जिसके निदर्शन ये भारत की युवा शक्ति यहां खड़ा है, ये उसकी उपलब्धि है। यशवंतराव जी ने दिया है भारत की सामाजिक जीवन को। मित्रों, और एक मैं अंतिम बात कहूं यशवंत राव जी के बारे में, मित्रों जिसको मैंने कहा कि प्रशंसा भगवान को भी प्रिय लगता है, ये आखिर भजन क्यों है, इसमें क्या कहा जाता है, भगवान का ही तो प्रशंसा किया जाता है। भगवान कितना ऐसा सोचो, 2 मिनट के लिए चाकुश होंगे कि अपना ही बारे में प्रशंसा की, वो सारे रचना उन्होंने बनाया, सारे तो भगवान ही बनाते हैं, कभी की दिमाग में आइडिया कौन दिया, भगवान ने ही दिया होगा। या जो कोई विशेष गायक की कंठ में इतना सुरीली आवाज कौन ने दिया, भगवान ने ही दिया होगा, किसके बारे में, खुद के बारे में। मित्रों ये भी एक मानविक प्रकृति है। मित्रों प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी ने उसको एक नया रूप दिया, उसको मैं कहूं गलत साबित किया ऐसा नहीं है, लेकिन उसको उस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भाई प्रशंसा अगर तो ठीक है, मैं कभी सोचता हूं, मैं परसों आया था, कल भी मेरे मन में थोड़ा आने का था, मैं सुनील जी और रघुनंदन जी मेरे को डांटेंगे इसलिए आया नहीं, मैं जब आया बहुत सेल्फी उठा। अभी मैं सोचता हूं कभी कभी हम परिषद में काम करते थे, जिनको मंच पे कहा जाएगा वही मंच पे जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। अभी प्रोफेसर यशवंत राव रहते तो सेल्फी के बारे में क्या सोचते, और आप जी रहते तो डांट पड़ता ही पड़ता, पक्का पड़ता। आपने किसी ने, खूब कम लोग होंगे जो आपटे जी की डांट खाए होंगे, बाकी तो आप सुने ही होंगे। अभी जिन्होंने सुना नहीं, श्रीरंग जी उनके अति प्रिय थे, उनसे सुनी लेना, वो सबसे ज्यादा डांट उन्होंने खाया होगा। मित्रों समय बदलता है, समाज बदलता है, इसके अंदर उस चुनौती को यशवंत राव जी ने उसमें एक तरीका निकाला था। उसमें करते करते उन्होंने कहा कि व्यक्ति की प्रशंसा होनी चाहिए। कोई हमारे कार्यकर्ता, मेरे इम्तियाज, मेरे मित्र इम्तियाज जल्दी जी हो या कोई भी कार्यकर्ता, अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा सर्वत्र होनी चाहिए, उसमें कोई कतोई, कोई कमी, कोई इनएडिक्वेसी नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ता के गुण की चर्चा सर्वत्र करनी चाहिए। मित्रों सामाजिक जीवन में आज हम जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और सामाजिक जीवन में अन्य संगठनों में काम करते हैं, मैं श्रेष्ठ हूं इसकी एक हमारे पास तरीका है। मैं श्रेष्ठ इसीलिए हूं कि दूसरा छोटा है, दूसरा में इतनी कमी है, देखो ये कर नहीं पाता है, इसके अर्थ मैं ही किस्मार खा हूं कि मैं कर पाता हूं। ये एक अमानवीय कंपटीशन सामाजिक जीवन में है, जिसकी भी एक उत्तर प्रोफेसर यशवंत राव जी ने निकाला था। उसको कहा था कि दोषों की चर्चा यथास्थान पर करना। हम व्यक्ति हैं, हमारे में कई चीज कमियां होना स्वाभाविक है, ये कोई गुनाह नहीं है। मनुष्य या कमियां या शायद दोनों इकट्ठा ही आए हैं, इन दोनों रहेंगे ही, लेकिन क्या मित्र इस मनुष्यता को हम
देवत्वों की ओर ले जाएं या राक्षस की ओर ले जाएं, एक सूक्ष्म फर्क उसमें से, अगर मनुष्य के अंदर देवत्वों को हम पहचानेंगे, उसकी गुणों को हम सर्वत्र चर्चा करेंगे और उसकी दोषों को यथास्थान पे हम पहुंचाएंगे, जिसमें उसकी मन खराब ना हो, नीचा ना हो, उसकी सुधार की रास्ता मिले। मित्रों, मैं नहीं मानता हूं कि पिछले दिनों में भारत के सामाजिक जीवन में ये टीम स्पिरिट हो, शैक्षिक परिवार परिवार की कल्पना की बात करें या सामूहिकता की बात करें या गुणों की चर्चा सर्वत्र, दोषों की चर्चा सही स्थान पे, पूर्व योजना पूर्ण योजना, ये जो समाज की संगठन करने की जो मूल तत्व, आगे शायद मैं मित्रों ये विषय अभी परिषद में काम करते करते शायद उसकी फिजिकल एस्पेक्ट आपको ध्यान में आता होगा, लेकिन जब जिंदगी के प्रवास में आप आगे बढ़ेंगे, आप जिंदगी भर इस विषय के लिए आवाज एबीवीपी के प्रति और उसकी मूल विचारक प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी के प्रति आपकी मन सदैव नतमस्तक रहेगा। शायद इस प्रकार की प्रशिक्षण, इस प्रकार की ट्रेनिंग हमको जिंदगी में और कहीं नहीं मिला। मित्रों, इम्तियाज अली जी की इस प्रयास को कितना भी प्रशंसा हम करें ये कमी होगा, और मैं कभी कभी हमारी परिषद की कामों को सोचता हूं कि परिषद क्या नहीं सोचता है और किस अवस्था में सोचता है। मैं आते ही कुछ दिन पहले उड़ीसा की प्रादेशिक कार्य समिति की समय में आया था, मैं देखा एक छोटी सी बहन चर्चा कर रही थी भ्रूण हत्या के बारे में, महिलाओं की विद्या छात्र की इशू के बारे में बात कर रही थी। मैं मेरे मन में मेरे मन में आत्मविश्वास बढ़ रहा था कि शायद वो बहन को अभी समझ नहीं है पूरा विषय क्या है, लेकिन वो चर्चा कर रही है, उसमें से आग्रेसिव स्टैंड ले रही है, उसमें से मुखरता के साथ बात को रख रही है, समझ के रख रही है। मित्रों, उसकी काम उसकी जिंदगी में क्या है उसको शायद ध्यान में नहीं है, आगे ध्यान में आएगा। कभी कभी हम परिषद के अंदर, मैं नहीं मानता हूं, मैं विश्व के बारे में कह नहीं सकता हूं, हम भारत के अंदर परिषद क्या सिर्फ एक हक लड़ने के लिए जनसंगठन है, विद्यार्थियों के हक लड़ने के लिए एक जनसंगठन है, या एक शिक्षा के बारे में सिर्फ सोच रखने वाला संगठन है? मित्रों, परिषद में ऐसा कोई विषय नहीं रहा होगा पाताल से लेकर आसमान तक ऐसे विषयों पर हम चर्चा ना करते। मेरे को रघुनंदन ने कहा, धर्मेंद्र जी इस बार भी हमने, मैंने कहा मजाक में, आप इस बार तो पेरिस की मीटिंग के बारे में चर्चा किया होगा, भारत की शिक्षा नीति के बारे में चर्चा किया होगा, भारत की भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा किया होगा। मित्रों, परिषद ऐसे ही एक मंच है, ऐसे ही एक फोरम है जिसमें हम सारा विषयों पे, सांप्रतिक सारा विषयों पे चर्चा करते हैं, सिर्फ विचार नहीं करते हैं। एक ही मात्र संगठन है जो समाधान की रास्ता भी निकलता है, एक मॉडल देता है सामने, इसी की उपज है प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी के नाम पे श्रद्धांजलि देने का अनोखी तरीका, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। इम्तियाज अली जी ने, मित्रों मैं अगर एक बात कहूं, इम्तियाज अली जी ने आपको भी कहा कि आने वाले दिनों में प्लास्टिक के ऊपर वो बैन लगा देंगे, शायद उनकी आंदोलन को सफलता मिले, उनको बधाई, उनको यशस्वी वो हो कि प्लास्टिक की कारोबार को बंद कर दे। मित्रों, अगर मैं कहूं मैं कौन हूं, मैं आज के दिनों में भारत में प्लास्टिक के कारोबार बढ़े उसकी मंत्री हूं। मैं अभी थोड़े दिन पहले प्लास्टिक उद्योगपतियों की वहां मिला, उनके एसोसिएशन में गया, मैंने पूछा कि भाई ये आप लोगों की कारोबार की क्या क्या आकार क्या है। मित्रों, आज के दिनों में 1.5 लाख करोड़ रुपया की प्लास्टिक की इंडस्ट्री है और ये आवश्यकता रोज बढ़ रही है। मित्रों, प्लास्टिक के मूल कच्चे तेल से आता है, जो हाइड्रोकार्बन मिलता है, जो भूतल में तेल मिलता है, गैस मिलता है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन और कार्बन की जो मिश्रण में जो कुछ हम पेट्रोल निकालते हैं, कुछ डीजल निकालते हैं, कुछ उसमें से प्लास्टिक की रॉ मटेरियल पॉलीमर की दुनिया बनती है। मित्रों, इसमें पॉलिस्टर है, केमिकल है और ये पॉलीमर की दुनिया है। ये एक वितर्क है, ये बंद होने वाला है कि आज प्लास्टिक किस किस चीजों को रिप्लेस कर रही है। आज सारे मेटल्स को प्लास्टिक रिप्लेस कर रही है, उसके कारण
वाहनों की ओजन घट रही है। पहले आप लोगों ने कार के अंदर दिखे होंगे, सारा चीज हैंडल से लेके डैशबोर्ड से लेके स्टीयरिंग तक सब मेटल की लगती थी, आज सब प्लास्टिक की लग गई। प्लास्टिक लगने के कारण उसमें खर्चा कम हो रही है, उसकी ओजन घट रही है, उसमें तेल की खर्चा भी कम हो रही है, इसमें भी बचत हो रही है। इसीलिए सही क्या है बाद में इम्तियाज अली आप और हम मिलकर बात कर लेंगे। आप बंद कराने में लगे, हम बढ़ाने में लगे हैं, उसमें नए कारोबार होगा। मैं कल बालेश्वर गया था, वहां इसीलिए गया था, वहां एक प्लास्टिक सीपेट की इंस्टीट्यूशन है, वहां देखने के लिए गया, वहां के विद्यार्थियों को और वहां की प्राध्यापकों को मिल के आया मित्रों। लेकिन उसी में से भी एक काम परिषद, वो भी परिषद के हम भी परिषद, उसमें समाधान की रास्ता भी निकलेगी शायद मित्रों। इसमें जो इम्तियाज अली जी ने काम किया, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है, कोई नई मुहिम नहीं चलाई है, पुराने बातों को हमारे मूल विषयों पे जो पुरानी बातें थे बातें रही उसी को थोड़ा उन्होंने दोबारा अपने तरीके से कहा है, भारत में स्वच्छता अभियान चलाना है। मित्रों ये जो काम इम्तियाज जी ने कर रहा है वो ये स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इसको एक अर्थनैतिक मॉडल देना। मैं भी इन दिनों में हमारे विभाग की ओर से जब हम पोल्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पोल्यूटेंट कंपनी हमारी लोगों के साथ है, उसकी समाधान की रास्ता हम लोगों ने निकालने के लिए मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों को कहा कि देखो आप लोग प्लास्टिक करके समाज में कई प्रकार की गड़बड़ियां पैदा करते हो, उसको समाधान की रास्ता निकालो। और हमारे तो भारत सरकार है, हम लोगों की राज्य सरकारें भी उसके छोटे भाई होते हैं। जैसे कहा इम्तियाज ने ऐसा ही मेरा अनुभव रहा, 10 हम प्लास्टिक टू फ्यूल, प्लास्टिक से ईंधन निकालने के लिए 10 घोषणा हमारे मुंह से करवा दिया। मैं पिछले 6-8 महीने के पहले इसको क्या था, मैं अभी उसको समीक्षा किया, भाई हुआ क्या है, कहां तक प्रगति हुई। मित्रों हमने विज्ञापन कर दिया, उन्होंने कहा कि साहब हमने विज्ञापन कर दिया, कुछ एप्लीकेशन आई, सर एप्लीकेशन आई नहीं, कोई रुचि नहीं ले रहा है। मेरे भाई आप जैसे कंपनी विज्ञापन करेंगे, रुचि क्यों कोई नहीं ले रहा है। उसमें एक बात आई समीक्षा में कि उसको इकट्ठा करने की खर्चा कौन देगा, हम तो दे देंगे प्लास्टिक को तेल बनाने के लिए खर्चा दे देंगे, उसकी मशीनरी लगा देंगे, उसको मार्केटिंग कर देंगे, लेकिन जो कचरा कौन उठाएगा, उसको अलग कौन करेगा, उसको उस फैक्ट्री तक ले आने की यंत्रणा क्या है। मित्रों उस मेरे को पता नहीं था, मेरे लिए तो आज एक सुखद संयोग है। मैं कुछ दिन पहले पिंपरी चिंचवाड़ा गया था, वहां एक मॉडल दिख के आया, वो उसमें भी थोड़ा कमियां मेरे ध्यान में आ रही थी, उसको कैसे जन आंदोलन बनेंगे, इसमें कैसे अर्थनीतिक पहलू जुड़े, उसमें कैसे जो रैग पिकर है, जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, उनको 2 पैसा मिले कैसे, उसकी मेरे मन में एक रचना चल रही थी। मैं आज परिषद के पास आभार हूं, आज आपने इम्तियाज अली जी को हमको मिलाया, हमने उनको आज आश्वस्त किया है। मध्य प्रदेश में उनकी जो भोपाल मॉडल है, हम उज्जैन में भोपाल दोनों जगह पे भारत सरकार की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से उनसे हम अनुबंध करेंगे, राज्य सरकार के साथ अनुबंध करेंगे, हम मिलके आज जो युवा पुरस्कार के नाम पे यही संकल्पना हो, ये रेप्लिकेबल हो। मित्रों ये स्वीकृति, ये पुरस्कार सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट के अंदर सीमित ना रह जाए। मित्रों परिषद ऐसे एक समाधान दे, ऐसे एक व्यक्ति को आज रिकॉग्नाइज किया, उनकी जो एक वॉलंटियरिज्म, इनकी जो युवा उत्साह, ये भारत की मूल समस्या और हमारी परिषद की पहले से मानना है। हम लोग मैं भी उस विचार का सरकार के अंदर रहते हुए भी मैं उस विचार का विश्वासी हूं, समस्या का समाधान सरकारों के पास नहीं है। जब तक समाज उसमें नेतृत्व तो नहीं करेगा, समाज उसमें नहीं सोचेगा, समस्या के समाधान सरकारें नहीं कर सकते। 70 साल में कई लोग सरकारों की जिम्मेदारी लिया है। मित्रों आज ये जो उपक्रम आज शुरू हुई है, इसको कैसे व्यवसायिक अनुबंध तक ले जाएं, उसको कैसे अन्य जगह पे व्यवसायिक रेप्लिकेट कर पाए, उसकी भी हम आने वाले दिनों में क्रियान्वयन करें। मित्रों आप लोगों ने उड़ीसा पहुंचे, परिषद की 22 साल पहले राष्ट्रीय अधिवेशन हुई थी यहां, तब हम लोगों ने इस प्रकार की शायद व्यवस्था नहीं कर पाया था। समाज अब बहुत बदल चुकी है, इस बार भी व्यवस्था में प्रदेश इकाई में बहुत सारे व्यवस्था और कोशिश किया ही होगा, उसमें भी कुछ कमी बेसी रह गई होगी,
इसलिए आप उसको सहृदयता के साथ क्षमा कर देंगे और इस अधिवेशन एक जो नई स्वच्छ भारत की जो अभियान शुरू हुई है पेरिस के अंदर दुनिया के नेतृत्व विश्व की परिवेश को लेकर चिंता कर रही है और परिषद यशवंत राव केलकर जी को सही श्रद्धांजलि दिया उसी 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 चर्चा की एक छोटी सी कड़ी को आज हमने भी अपना जवाबदेही के नाते सामाजिक संवेदनशील संगठन के नाते उसको हमने भी हाथ में लिया। आप सभी को इस पवित्र उत्सव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने बताया कि आज ये जो प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में जो प्लास्टिक तैयार करने वाले और प्लास्टिक प्रबंधन करने वाले दोनों का यहाँ सम्मिलित हुआ है। धन्यवाद। आगे इस कार्यक्रम का अंतिम में हम लोग बहुत दिन से ओडिशा के सभी कार्यकर्ता को मन में था कि यशवंत राव केलकर जी के बारे में एक उड़िया में पुस्तक होना चाहिए सभी कार्यकर्ताओं के पढ़ने के लिए, अच्छा रहेगा। ये जो इच्छा थी उसका भी आज समाधान हो गया। हमारा प्रदेश का ही विद्यार्थी परिषद का पुराना प्रदेश मंत्री थे श्री सोमेंद्र जेना जी, जो प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी के पुस्तक है उनके बारे में पुस्तक है पूर्णता की ओर, उसका उड़िया अनुवाद किए हैं, उसका नाम रखा है परिपूर्णता पथे। वो पुस्तक का विमोचन करने के लिए मैं आज के मंच में उपस्थित सभी अतिथियों को अनुरोध करता हूं और श्री सोमेंद्र जेना जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो पुस्तक वो भी मंच में आए।